हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए ताकि चैनल्स के लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं 10,000 रुपये के साथ। इसके पहले ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, पर डर और जानकारी के अभाव में शेयर मार्केट से दूर भागते हैं। डर जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो डूब जाएगा, नॉलेज के वजह से दूर भागते हैं, सोचते हैं मेरे पास नॉलेज नहीं है तो इससे दूर ही रहना अच्छा है। अगर आपने थोड़ा सा भी नॉलेज ले लिया तो डर भाग जाएगा। अब बात आती है कि नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा। नॉलेज इंटरनेट पे बड़ा बड़ा है। थोड़ा सा हेल्प मैं भी कर दूंगा, थोड़ा सा नॉलेज आप इंटरनेट से ले लीजिए। अब बात आती है कि आपके पास 10,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको करना क्या है, किसी भी कंपनी को में पूरा पैसा आप इन्वेस्ट मत करिए। आप 10,000 को 2,000 में डिवाइड कर लीजिए और किसी भी एक कंपनी को 2,000 5 तरह की कंपनी को आप चूज कर लीजिए और 2,000 आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो मान लीजिए कि दो कंपनी जो है नेगेटिव में जाता है और तीन कंपनी पॉजिटिव पे जाता है तो आप फिर भी प्लस में रहेंगे। अगर मान लीजिए कि पांचों कंपनियां पॉजिटिव हो जाती है तो फिर क्या बात है। इसलिए आप कभी भी इन्वेस्ट करिए तो पूरा पैसा एक ही कंपनी के शेयर में खरीदने में मत लगाइए। आप 5 तरह की कंपनियों के शेयर खरीदिए, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए कि आपको जानना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डीमैट अकाउंट खोलने के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।